वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब आज माशाल्लाह मैं जिस जगह आपको लाया हूँ ना आपका दिल खुश होने वाला है क्योंकि आज मैं मुंबई के अंदर एक ऐसी जगह आपको लाया हूँ जिस जगह का नाम है बदोई और ये अलाहाबाद और बनारस के बीच में बसे बसा हुआ एक कस्बा है और जहाँ पर मैं आया हूँ इस शॉप का नाम है डी कोजी फर्नीचर यहाँ पर आपको तमाम वहाँ के कारीगरों के हाथ से बनी हुई वहाँ की खूबसूरती कि एक झलक में वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं कि डी कोजी फर्नीचर जो कि बदोई की स्पेशलिटी सर्व कर रहा है हमें मुंबई में नियर ओशीवरा मेट्रो स्टेशन तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है खास तो माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ डी फर्नीचर की छत्र छाया में अब मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई का तारुफ आपसे कराऊंगा फिर हम करेंगे बाकी की बातें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असला वरम वा खैरियत भाई, भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबसे पहले ना अपना प्यारा प्यारा नाम हमारे व्यूअर्स को बताइए जी सैयद मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा माशाल्लाह सैयद साहब ये मेरी खुश नसीबी है कि भाई जहाँ जा रहा हूँ सैयद साहब मेरे भाइयों का वीडियो लेने का मौका मुझे मिल रहा है तो बहुत दिल से खुशी होती है जब कोई सैयद साहब का मैं वीडियो बनाता हूँ तो भाई और मेरा सीना छौड़ा हो जाता है भाई तो भाई सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाइए एक्चुअली हम लोग इंटीरियर का, का काम पूरा करते हैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हम लोग हैं एक तरह से हमारा ये जो है ना एक्सपीरियंस सेंटर है ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग देखिए लगे हुए हैं ज़्यादातर हम लोग कस्टमाइज़ बनाते हैं रेडीमेड का हमारे वहाँ काम नहीं है तो इसमें भदोही की कारपेट भी है जो हैंडमेड है सारा और सारे रेंज सारी और सारी साइज और एज़ पर ऑर्डर भी कितनी बड़ी भी साइज़ आप देंगे तो हम लोग कारपेट बना करके भी देते हैं और फर्नीचर में तो हर काम करते हैं बाकी माशाल्लाह आप लोगों का मैंने काफ़ी नाम सुना हुआ है और मुझे शाहिद भाई शाहिद जावेद भाई जो कि मैं भी नाम लेना बेहतर है यानी भाई क्योंकि वो किंग ऑफ एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया पे किंग अगर आप जानते हो तो शाहिद भाई मेरे सामने बैठे हैं भाई जो कि फेसबुक के किंग है सोशल मीडिया के किंग है जो आप एक पेज देखते हो फनी पेज जब आप डिप्रेशन में होते हो और वो पेज देखते हो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो पेज का नाम है रजनीकांत वर्सेस सी जोक्स जो कि शाहिद भाई ने उसका बेस रखा था और आज माशाल्लाह तकरीबन 100 लोग उसमें काम करते भाई हमें फ़ेसबुक पे देख के लगता एक है 130 तो तो लोग काम करते हमें लगता है कि बस एक छोटा सा आर्टिकल आया हम देख रहे हैं तो भाई ये ऐसा नहीं आगे कभी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो हम शाहिद भाई का भी इंटरव्यू लेंगे बट भाई वो भी दिन रात मेहनत कर रहे और शाहिद भाई ने अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई एक चीज़ बदाइयों बदाइयों से जुड़ी हुई बदोई भदोही से जुड़ी हुई एक चीज़ जो मुंबई में उन्होंने सेट किया है वो चाहते हैं कि पता चले कि बदोई की खूबसूरती क्या है ये दुनिया को पता चले वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं बट हम मुंबई कर सभी तक सिर्फ यही देख रहे थे कि कश्मीरी हैंडी क्राफ्ट है यहाँ का है वहाँ का है बट भाई आज अलहमदल हमें मौका मिला भदोही की खूबसूरती देखने का भी तो भाई अब मैं सीधा सवाल पे आता हूँ एक दो सवाल पूछेंगे ज़्यादा लंबा जी, नहीं करेंगे तो ये जो हमारे कारपेट है ना भाई ये मशीन से बने हुए या फिर ये सब हैंडमेड है इसमें मशीन के भी बने हुए हैं हैंडमेड भी है भी और इसमें पर्शियन है ईरानी है यहाँ पे और भदोही के टर्किश भी है और जो भदोही के हैंडमेड है वो स्पेशल है यहाँ पे तो जो मुंबई में बहुत कम जगहों पे मिलेगी रेयर है तो ये हमारे वहाँ हर रेंज में मिल जाएगी ज्यादातर यूरोप जाती थी, थी ये सारी अभी भी जाती है इन लोगों की यूरोप में लेकिन माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे भी सारा ऊपर गो डाउन है तो पूरा सेटअप हम लोग ने तो, किया है सैयद तो साहब मैं क्या चाहूँगा उनके आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करें मेरे व्यूवर्स के लिए मैं और दिखाए समझाए कि ये चीज़ ये होती है ये चीज़ ये होती है ना भाई जी, जी। तो क्या चीज़ देखेंगे तो हमको बताएंगे तो शायद भाई अपन बताएंगे तो समझ में आएगा ना कि भाई शौक किस तरह किया जाए अच्छी चीज़ का जैसे ये सब जो कारपेट है ये ईरानी कारपेट्स है ठीक है ईरानी कारपेट्स में भी दो टाइप के कारपेट आते हैं एक मतलब उसमें जो बुनावट होती है ना अगर हम इसको बैक से देखेंगे तो इसमें जैसे रीड होता है अब ये 800 रीड वाला ये कारपेट है ईरानी कारपेट इम्पोर्टेड ठीक है वही जो उसके बगल में ये वाला है वो ईरानी कारपेट वो भी है लेकिन वो बारह रीड वाला है एंड वो उसका आप क्वालिटी डिफरेंस ही आप सब वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा तो ये, ये रीड रीड का मतलब क्या हुआ मतलब ये भाई? जो ये जो ये बुनावट होती है ना ये देखिए नॉट्स जो आ, होता है ना ये एक स्क्वायर एक, एक, एक स्क्वायर फीट में 800 ये नाट्स है वही उसमें जो है वो 1200 सौ नाट्स है मतलब ये बहुत बारीक काम है बहुत, बहुत बारीक बार, और शायद भाई तकरीबन अगर एक कालीन है हाथ से बनती है तो फिर उसमें कितना वक्त लग जाता है एक कालीन अगर हाथ से बनाई जा रही है तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ये है ना ये हैंडमेड कारपेट है ये सब मशीन मेड कारपेट है ये जो हम इम्पोर्टेड कारपेट देखा हमने वो मशीन मेड अब ये जो है ये हैंडमेड कारपेट अभी ऐसे एक एक कारपेट बनने को ऑलमोस्ट तीन महीना चार महीना छः महीना किसी किसी कारपेट को एक साल दो साल पाँच साल भी लग जाते हैं एंड इनका रेंज जो होता है मतलब कोई आपको हैंडमेड कारपेट का रेंज जो है मतलब कोई पाँच हज़ार सात हज़ार से भी स्टार्ट होता है एंड वो उसका कोई मोल ही नहीं है मतलब करोड़ों में भी जाता है कारपेट अभी शायद भाई जैसे साइज मेरे हिसाब से ये कारपेट का वैल्यू जो होगा मेरे ख्याल से फोर्टी थाउजेंड क्या होते हैं और इसकी खासियत क्या मतलब भाई हैंडमेड कारपेट क्या है मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है ना उसकी एक अलग खूबसूरती होती है मशीन में आप आपका एक डिजाइन है एक सिस्टम है वो एक ही चीज एक ही डिजाइन वो बनाते जा रहा है लेकिन जहाँ पे हैंड में, हैंडमेड चीज़ें आती है उसमें काफ़ी मेहनत लगता है उसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी प्रोसेस्ड होता है उसका लाइफ ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द मशीन मेड अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे अब नॉर्मल एक कोई बेड देखे अब जैसे बेड का फर्नीचर का है, रेंज आप देखेंगे ये अब ये रेंज देखिए ये चीज़ जो है इसको महाराजा बेड बोलते हैं अगर हम फर्नीचर की बात करें नॉर्मल आप कोई भी कार में बेड बहुत तरीके का आते हैं राइट अब जैसे ये जो लेमिनेट्स वाले बेड हो गए ठीक है ना लेमिनेट्स वाले बेड हो गए बट इसमें और इसमें देखिए बहुत फर्क है टेस्ट टेस्ट का भी फर्क होता है किसी को एकदम रॉ चीज़ें चाहिए रहती है किसी को यू नो लेमिनेट वाली चीजें चाहिए रहती है तो माशाल्लाह शाहिद भाई आपका जो ये पूरा मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं बदोई में आ चुका हूँ तो शाहिद भाई एक दो चीज़ और बताएंगे कुछ स्पेशल कि घर में लोगों को ये लगाना चाहिए उससे रौनक बढ़ेगी कुछ ऐसा एक छोटा कारपेट या, या कुछ छोटा सा कुछ ऐसा <laughs> कारपेट तो मतलब एक्चुअली जैसे यूरोपियन uh, कंट्री है अमेरिकन कंट्रीज़ है यू नो वेस्टर्न कंट्रीज़ बेसिकली तो कारपेट वहाँ पे तो कल्चर है मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ़ देयर डेली लाइफ उनको चाहिए ही चाहिए उनका नीड है अब वही चीज़ अब इंडिया में भी धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं लोग अपने घरों में कारपेट्स वगैरह को रखना शुरू कर दिए बिकॉज उससे एक आपका जो लिविंग रूम है या आपका बेडरूम है एक अलग हैौनक आ जाती है ना आपके घर में आपके जमीन में एक जान, एक जान आ जाती है और एक जमीन में एक जान आ जाती है आप जैसे मतलब सो के आप उठे तो एक मखमली चीज पे अगर आपका पैर पड़ा तो आप समझ सकते हैं मतलब वो फीलिंग ही अलग वो तो ड्रीम है इनशाला भी पूरी करेंगे और शायद भाई अभी अपना तो ये हो गया ये शॉप हो गया अभी जैसे हमको कोई ऑर्डर देता है ऑल ओवर मुंबई या अराउंड द ग्लोब कहीं से भी राग राग। तो वो तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नंबर वगैरह और शायद भाई अगर हमें कोई कारपेट का को ऑर्डर देता है तो हम उसे जल्द से जल्द कितने दिन में डिलीवरी दे, दे सकते हैं पास तो जो रेडी स्टॉक से और मतलब हमारे पास जो रेंज है कारपेट का मेरे ख्याल से बॉम्बे में किसी के पास वो रेंज नहीं है बिकॉज हमने इम्पोर्टेड भी रखा हुआ है इम्पोर्टेड में भी जो सबसे ज़्यादा चलता है टर्किश कारपेट ईरानी कारपेट उसका रेंज जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं सेकेंडली उसके अलावा जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं अभी ऊपर आप एक बार चलेंगे हम ऊपर देखेंगे मतलब ऊपर का जो रेंज है वो लाखों रुपए तक के कारपेट हमारे पास पड़े हैं मतलब दो हज़ार से ले लाख रुपए तक के कारपेट हमारे पास यहाँ पे और हर साइज़ में हर डिज़ाइन में हर कलर में तो किसी का भी कोई भी चीज़ अगर उसको तो उसके घर का बेडरूम का या हॉल का एक फोटो लाता हूँ वो कहता हूँ कि शायद भाई मुझे ना इससे रिलेटेड एक कार्पेट या कुछ अच्छी चीज बताइए तो वो हमारे पास हंड्रेड परसेंटिटली मिल जाएगा ना थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर हमारे पास क्या है एंटीक वो देखते हैं ना भाई पहला ग्राउंड फ्लोर तो हमने पूरा विजिट किया शाहिद भाई के साथ अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ मतलब हाथ से बनी हुई कालीन इम्पोर्टेड कालीन और भाई बहुत ज़बरदस्त स्टफ है यहाँ पे सब तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आपको बहुत मज़ा आएगा शाहिद भाई अभी क्या दिखाओगे आप अभी जैसे नीचे हमने देखा ईरानी कारपेट और तर्की कारपेट ठीक है अभी ये जो रेंज हमारा है जिसको अभी हमने खोला नहीं है बारिश की वजह से बिकॉज हैंडमेड कारपेट में क्या है थोड़ा नमी आ जाती है अच्छा अब ये जो मैं आपको बता रहा था लाखों लाखों वाले कारपेट वो सब यहाँ पे पूरे रखे हुए हैं इसको अभी थोड़ा सा बारिश थम जाए तो इसको खोल के अच्छे से डिस्प्ले पे भी लगाना है हमें शायद भाई ये जो चेयर वगैरह रखा है ना कुछ अलग लग रहा है ये डिनर टेबल के साथ फोल्डिंग टेबल के साथ कुछ चेयर इसका क्या कॉन्सेप्ट यूसुफ भाई अब आप आएंगे वीडियो में हमारे साथ ठीक है ना तो यूसुफ भाई ये जो सेट रखा है ना हमारा ये सेट ये इसको टर्किश डिजाइन बोलते हैं इसको टर्किश डिजाइन बोलते हैं जी, जी, तो ये फॉर सेल है फॉर सेल है ये बेसिकली भी इसका बेस पूरा ऐसे तीन सौ चार में बना हुआ है गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है तो पूरा इसका जो बेस है ना पूरा ऐसे स्टील में है ये ये मतलब कुछ रॉयल्टी बढ़ाने वाली चीज़ है बहुत अलग चीज़ है ये और इस पर बैठेंगे तो आपको फील लगेगा कि सोफा कितना कंफर्ट है सैयद साहब मैं इसका रेट पूछ सकता हूँ जनरल रेट के अगर ये ऐसा सेटअप से बनाता हूँ तो ये मुझे कितने में आ जाएगा। ये का है ये ये जो पूरा सेट है और ये ये निकलता ये, अलग ये, अलग ये अलग से है नहीं ये अलग चीज है ये सिर्फ दो और ये जी ये थ्री सीट प्लस वन वन हाँ छोटा घर है जिसको सेंटर टेबल भी चाहिए और जो यू नो मतलब डाइनिंग टेबल नहीं रख सकता अच्छा छोटे घर में ऐसा निकाल निकालते उसको कन्वर्टेबल है मतलब ये कन्वर्टेबल है इस्तेमाल कर सकता है पढ़ाई के लिए, 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 मतलब लिए, लिए इस्तेमाल और वापस पैकअप भी हो जाएगा माशा जी और भाई आपके वहाँ तो कलेक्शन भाई बहुत जबरदस्त है इंटीरियर की मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है ये ये भाई जो सोफा ये कौन सी थी मैं ये कौन सी थी मैं ये डी डिकोर का फेब्रिक है ये पूरा इसका भी बेस जो फ्रेम है एसएस में बना हुआ है ये रोज गोल्ड में बना हुआ रोज है ये फ्रेम बना हुआ है पूरा रोज गोल्ड में है इसका फैब्रिक डी डी का फैब्रिक है ये

तो ये सैयद साहब है जो कि ऑपरेट करते हैं अपना डिकोजी फर्नीचर जो कि ओशीवारा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे अभी स्टेशन प्रॉपर बना नहीं है बट आने वाले टाइम में आपको ये लोकेशन डालना है तो आपको यही बोलना है कि ओशीवारा मेट्रो स्टेशन तो भाई लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह बदोई का एक जो छोटा सा खूबसूरत टुकड़ा है बदोई यूपी में उत्तर प्रदेश में बहुत नामचीन जगह है वहाँ काफ़ी फॉरनर्स भी विजिट करते हैं एंटिक के जो शौकीन है वो तो बदोई को जानते हैं और ये बनारस और अलाहाबाद के बिल्कुल बीच में सेट है और ये कारपेट की साइज देखिए ये बॉम्बे में नहीं मिलेगी ये साइज और भाई जो ये बता रहे हैं ना ये बड़ा कारपेट ये आपको ईजली मुंबई में कहीं नहीं मिलती अगर हमें इससे बड़ा कारपेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आपको तो जितना बीस बाईस सौ भी चाहिए तो बना करके मिल जाएगा तो तो सैयद साहब बता रहे हैं आपका घर कितना भी बड़ा है बट क्या होता है हम कारपेट जब लेने जाते हैं ना तो हमें पीसेज में लेना पड़ता है पर वो डिज़ाइन मैच नहीं होती है नहीं। अगर आप अपने रूम का हॉल का परफेक्ट साइज़ देते हो भले वो सौ फुट का हो दो सौ फुट का हो तो भाई आपको कस्टम मेड भी बन के मिलेगा तो अगर आप भी एंटिक्स के लवर्स हो कालीन के लवर्स हो और अपने घर में एक खूबसूरत जान डालना चाहते हो कि भाई सुबह उठूँ तो एकदम वो रजवाड़ा वाला मज़ा है कि भाई मैं भी एक रॉयल जिंदगी मुंबई में जी रहा हूँ तो उसके लिए आपको विजिट करना है भाई की शॉप पे और यहाँ का मजा लेना है और डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी सब कुछ डिटेल डाल दूंगा किस तरह कांटेक्ट करना है अराउंड द ग्लोब अराउंड द मुंबई अराउंड द वर्ल्ड आपको किस तरह ये चीज़ बुक करना है ये भी भाई से मैं पूछ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका भाई दिन रात मेहनत कर रहा है उसे और सपोर्ट कीजिए और अपकमिंग दस हज़ार सब्सक्राइबर विद इन वन मंथ होने वाले तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ माशा आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मैं दीपोजी की तरफ से आपको एक जानमाज गिफ्ट की जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशा दुआ में याद रखिए मेरे बड़े भाई ने, ने, ने मुझे एक 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 जा नमाज गिफ्ट किया है मुझे और कहा है कि भाई नमाज पाबंदी से पढ़िए तो भाई इस तोहफे के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप देख सकते हो माशाला भाई ये आप सबकी मेहनत है दुआ है और भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की दुआ की अल्लाह भाई मुझे ऐसी ऐसी चीजों से नवाज रहा है तो टीम अनोन ब्लॉगर अपने दोनों भाइयों का जो ये शॉप ऑपरेट कर रहे हैं और तमाम मेरे सब्सक्राइबर का जो मुझे सपोर्ट करते हैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करती है